अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिज़ा शहज़ाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी रंग। अल्लाह पाक के दर से उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले जहां भी रहें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। जैसा कि आपको पता है कि आजकल मैं वीडियो थोड़ी रेगुलरली बना रहा हूँ, तो आज मेरी वीडियो, मेरे ब्लॉग का जो है ना, वो बेसिक टॉपिक ये था कि मैंने एक ना न्यूज़ चैनल पर आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ रहा है सैयद बासित अली के, क्या नाम है उसका, फ़नी वीडियोस बनाता है। तो उसने एक न्यूज़ चैनल न्यू पे मॉर्निंग शो हो रहा था, तो मॉर्निंग शो में बड़ी ही जो है ना वो दलेराना जो है ना उसने गुफ्तगू की और बेहयाई को रोका है, और उसकी वजह से जो है ना वो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है ना उसके चर्चे हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि एक स्क्रिप्ट था, उन्होंने पहले सोची समझी जो है ना वो साजिश के तहत ये सब कुछ किया, ये रेटिंग लेने के लिए था, ये व्यूज़ लेने के लिए था, ये जो भी था, जो भी उन्होंने किया, उन्होंने जानबूझ के किया। लेकिन 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 एक मैसेज गया है। मैसेज क्या गया है? मैसेज ये गया है कि उसने जो बेहयाई को रोका है, जैसे कि वो मारमी समद वाला जो है वो वाकया था, उसमें उन्होंने जब उनकी लड़ाई हुई थी, तो बेसिक वजह ये थी उन्होंने बेहयाई को रोका था। इसी तरह वो एक दफ़ा वो एक जगह डांस कर रही थी मॉर्निंग शो में, वो सारे हल्ला गुल्ला कर रहे थे, लेकिन ये बासित अली एक साइड पर बैठा रहा, तो इसने ना बोला ना डांस किया, कुछ भी नहीं किया। तो जब डांस ख़त्म हो गया, तो वो उनकी जो एंकर पर्सन थी वो कहती है कि आपने जो है हमारे साथ पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। तो उसने बताया कि उसने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया, जिससे हक्के बक्की रह गई। हक्के बक्के क्या, लड़ने को पड़ी कि जो है आप बेहयाई फैला रही थी, तो मैं बेहयाई को जो है ना प्रमोट नहीं करना चाहता। ये आप बेहयाई फैला रही हैं, आप डांस कर रही हैं, बाल आपने खुले छोड़े हुए हैं, और आपको जो है ना वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे उसने इस वीडियो में, थोड़ा सा जो है ना मैं करीब करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा करीब करके दिखाइएगा व्यूअर्स को, ये चेक करें। यार लाइव है, क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बस यार, सब इतना एंजॉय कर रहे थे, सबने म्यूजिक को इतना एंजॉय किया, यार आप क्यों नहीं आए? म्यूजिक नहीं है, सरयाब आप लोग बेहयाई फैला रहे हैं क्या? मुझे नहीं पता था आप लोग इस तरह, एक सेकंड, एक सेकंड, आपने आप शो किस तरह का कर रहे हैं? अब आपने देखा कैसे उसने जो है ना वो बड़ी वो बढ़ चढ़ के कह रही थी कि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसने कहा कि ये आप जो है ना वो कुछ मॉर्निंग शो नहीं कर रही थी, आप बेहयाई फैला रही थी, तो मैं इसको ज्वाइन नहीं करूँगा। तो बस बात इतनी रही, वो एक दूसरे को ऐसे लड़ने को पड़ी, उसका दिल था कि मैं इसे नोच लूँ कि इसने जो है ना वो सीधी बात क्यों किया। अब यह है कि अगर हमारे मॉर्निंग शोज़ सुबह सुबह के टाइम, अगर हमारी इस्लामिक कंट्री है, हम मुस्लिम जो है वो सुबह सुबह बाल खुले होंगे, डांस कर रही होंगी, और ऐसी बेहुदा और पहेलियाँ ऐसी बेतुकी सी जो है वो सुनने को आएंगी सुबह सुबह, तो हमारे माशरा हमारा पहले जो है ना वो इतना ख़राब है, तो फिर क्या हाल होगा? फिर मारवी सरमद जैसी उनको प्रमोट करने वाली, ऐसे मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी को प्रमोट करने वाली जो है वो जन्म लेंगी, वो ऐसी हमारी सोसाइटी जो है वो ख़राब होगी। और ये मैं आपको दिखाता हूँ इससे आगे, जब वो एक दूसरे को लड़ने को पड़ रहे थे, ये चेक करें, ये देखें, आपने देखा कि कैसे वो एक दूसरे को लड़ने को पड़ रही है। वजह यह है कि उसने यही कहा है कि जब जो रेप वगैरह होते हैं या जुल्म जाती होती है, वहाँ पे ये जो औरत मार्च वाली औरतें हैं, जो अपने हकूक़ की कहती हैं, हम अपने हकूक़ के लिए निकलती हैं, वो हकूक़ वाली वहाँ पहुँचती हैं या नहीं? वो जस्ट ये है कि अपनी एक फाशाना जो फाशिस्ट है ना, एक माइंड उनका बना हुआ है गंदा घटिया, और वो जो यूरोप को प्रमोट कर रही हैं, वो अपने आप को जो है ना वो आज़ादाना जो मर्ज़ी करें, वो जो करना चाह रही हैं उस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, वो बस चाहती हैं। बाकी उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि औरत माज कुछ औरत को फ़ायदा हो या किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, हम उनका साथ दें। तो इस भाई ने बहुत अच्छा किया, इस भाई को मेरी तरफ से सलूट और बेस्ट ऑफ लक। यार आपने बहुत अच्छा किया, जो भी स्क्रिप्ट था, जो भी था, इससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन हम जो जिसने वीडियो देखी है, और नहीं यार 90% नहीं 50% बंदे तो ये सोच रहे होंगे कि यार इसने बेहतरीन किया है, क्योंकि ये उसने एक किस्म का जो है ना फाशी को रोकने की कोशिश की है। तो
उम्मीद है दोस्तों मेरा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बासित सईद बासित अली ने अच्छा किया या नहीं। और उम्मीद है कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।